Thank you very much. Thank you. It's okay? Yes, yeah. Perfect. और जैसे हॉस्टल में आया वैसे मेरे दोस्त बन गए, तो मेरे साथ दो दोस्त हैं तो मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ। और ये पाकिस्तान से इंडिया आएगा, तो पाकिस्तान बॉर्डर अभी ईरान से पाकिस्तान जाने वाला है, फिर पाकिस्तान से इंडिया आएगा। तो इस तरह कुछ कैफे है। और बाय द वे यार, में कुश्ती भी बहुत फेमस है, यहाँ का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, तो यार देखो ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। लव यू राज, हैव अ गुड टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैं हूँ याज में, और याज प्रोविंस, याज स्टेट कह लो, और ये सबसे बड़ा शहर है याज प्रोविंस में। और मैं कल आया था यहाँ पे, और कल आपने देखा मैं कैसे हिचहाइक करके आया। और कल शाम को जब मैं यहाँ पे था तो हॉस्टल में मुझे दो फॉरेन फ्रेंड्स मिले, और उनके साथ काफ़ी मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। एक था इटली से और दूसरा था ब्राज़ील से, जो स्पेन में रहता है। तो हम लोग यहाँ का ओल्ड टाउन है वो घूमे, एंड फिर डिनर करने गए, और डिनर काफ़ी अमेजिंग था। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था कल रात को, तो वो आप देख लो। तो अभी शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, और लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। और चेंज ये है कि अब मैं काउच सर्फिंग नहीं कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, और मैं हॉस्टल में आ गया हूँ, और फिर से हॉस्टल वाला ज़िंदगी जीने वाला हूँ एक दो दिन के लिए। और जैसे हॉस्टल में आया वैसे मेरे दोस्त बन गए, तो मेरे साथ दो दोस्त हैं तो मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ। उसके पहले ये बहुत ही अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है यहाँ पे याज में, एकदम सेंटर ऑफ याज में। तो यहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं, तो अभी मैं मिलाता हूँ मेरे दो नए दोस्त से। सो आई हैव फ्रांसिस्को। नमस्ते, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एंड आई थिंक आप कैसे हो ये आप सबको बोल रहे हैं। सो इसको थोड़ा बहुत मैंने हिंदी सिखाया था शाम को, एंड You're from Brazil? Yes, I'm from Brazil. I'm from São Paulo. And living in Spain? Yes, I live in Spain for 5 years now. And it was great meeting him. ये मेरे हॉस्टल में रह रहा था, तो शाम को हम बाहर बैठे हुए थे हम लोग, तो मैं इससे बात की कहाँ से है। फिर एक और बंदा है जो इटली से अपने स्कूटर में आ रहा है, और स्कूटर बहुत ही लाजवाब है। So there you go. Hello, nice to meet you. Yes. What's your name? It's Andrea, I'm from Italy, and I'm traveling through Bangladesh with my Vespa. So I just can't wait to cross India border and see this huge, beautiful country. Yeah, I met this guy, and yes, Adam Francisco, and we are just taking this beautiful view from Yas. Awesome. So, yeah. And by the way, ये इंडिया में 1 month रहने वाला है, so you are staying in 1 month in India, right? Yeah, so, I'm staying 1 month. और ये पाकिस्तान से इंडिया आएगा, तो पाकिस्तान बॉर्डर अभी ईरान से पाकिस्तान जाने वाला है, फिर पाकिस्तान से इंडिया आएगा। And I really hope that you have a good trip in India. And if you are visiting my hometown, like in my state, you are my guest, okay? Yeah. So be at my house. और ये शायद दार्जिलिंग जाने वाला है, तो मैं तो रहूँगा पता नहीं किस देश में, ये 3 हफ्ते में पहुँचने वाला है इंडिया। तो I hope you have a good trip in India. And मज़ा आ गया, Italian friend and friend from Brazil. तो अभी हम लोग यहाँ पर डिनर करने आए हैं, एंड काफ़ी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है ये याज में। तो अभी हम लोग यहाँ पर मेन्यू चेक कर रहे हैं कि क्या खाएं, तो एक बार ऑर्डर कर लेते हैं, तो फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या खाने को है, और हम लोग ने क्या ऑर्डर किया है। This is a very traditional style of, you know, my special carrot juice. Your melon juice. Yeah, we have to fix this. Salam. Salam. Hello. Salam. How are you? So cute. How are you? Chitori. You said Chitori, right? Chitori. So cute she is. Thank you very much. Thank you. It's okay? Yes, yeah. Perfect. Thank yeah, you. Perfect. Yeah, we have enough bread for all of us, yeah? Yes, we do. Yeah. तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया है। ये मैंने कबाब, सेलमी कबाब मंगाया था, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, टमाटर इसके ऊपर। और यहाँ पे एक प्लांट है, तो वी से ब्रिंजल, ब्रिंजल। Yes. Yes, and yeah. What else? Tomato. Meatballs, yes. Yeah. Okay, awesome. With granite, yes. And we have Iranian bread. Yeah, it's just delicious. I think, I don't know the name of this, they have lavash, they have the one which we ate in
हेरिटेज हॉस्टल वॉज द थिक वन, इट्स कॉल्ड बर्बरी. तो अभी खाना शुरू करते हैं, काफी टेस्टी दिख रहा है. अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैंने थोड़ी देर पहले हॉस्टल में ब्रेकफास्ट किया. तो लोकल ब्रेकफास्ट था बर्बरी ब्रेड और जो चीज़ है यहाँ का, तो वो मैंने खाया. और हॉस्टल का गार्डन बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा एरिया बैठने लायक है. तो मैंने ठीक से हॉस्टल आपको अभी तक दिखाया नहीं है, तो मैं अपना रूम वगैरह बाद में दिखा दूंगा. और मुझे अभी बस टिकट भी बुक करना है करमान के लिए, तो अभी वो भी देखना है. और ये है यहाँ का स्ट्रीट और अभी दुकान सारे खुल रहे हैं. एक्चुअली यहाँ पे अभी आज हॉलीडे है तो मोस्टली सारे दुकानें बंद रहेंगे. आई मीन मुझे मेरे हॉस्टल के मैनेजर ने बोला कि 1 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा यहाँ पे. तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार की तरफ भी, थोड़ा बाजार भी एक्सप्लोर करेंगे. और कुछ इस तरह का है यहाँ का रोड. बाजार के पहले इसका ये एरिया है, आप देख लो. एंट्रेंस ओके ओके मर्सी. तो मैं दौलताबाद गार्डन पहुंच गया हूं पर एंट्रेंस नहीं मिल रहा है और गूगल काम कर नहीं रहा है, तो अभी ढूंढने में मुश्किल हो रहा है. तो मैंने अभी लोकल से हेल्प लिया. वन टिकट 1 million rial. ओके तोमान इज 100,000 तोमान. इंडिया वेरी गुड. थैंक यू मर्सी. और मैंने टिकट ले लिया है यहाँ पे दौलताबाद गार्डन का. और टिकट का कॉस्ट है 1 million rial, जो 1 lakh तुमान होता है, जो $3 होता है. आई कैन ऑलराइट थैंक यू मर्सी. तो मैं अंदर आ चुका हूँ दौलताबाद गार्डन याज में. और ये एक हिस्टोरिकल एंशियंट एंड पर्शियन गार्डन है. और ये गार्डन फेमस है अपने विंड कैचर के लिए, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा विंड कैचर है. और ये ईरान याज में है. और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कंसिडर किया जाता है ये जगह को. और ये ईरान के जो 9 पर्शियन गार्डन्स उनमें से ये एक गार्डन है. और आप अगर देख सकते हो आगे तो बहुत सारे फाउंटेन्स हैं और बीच में पानी का ये क्या कहते हैं स्ट्रीम बह रहा है. और उस तरफ अगर आप देख सकते हो तो बहुत ही लंबा विंड कैचर दिख रहा है. तो विंड कैचर का मतलब ये है कि ये एक पुराने ज़माने का ये टेक्निक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक जब नहीं हुआ करता था, लाइट करंट नहीं हुआ करता, तो घर के अंदर या किसी भी जगह पे अगर आपको वेंटिलेशन या एयर सर्कुलेशन चाहिए होता था, तब इन लोग विंड कैचर यूज़ करते थे नेचुरल हवा अंदर आने के लिए. तो ये विंड कैचर में बहुत बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं, जहाँ से हवा अंदर जाता है और घर को वेंटिलेट रखता है और ठंडा रखता है. तो ये यहाँ पे है. तो अंदर एक म्यूज़ियम टाइप का बना हुआ है, तो उसको जाके मैं थोड़ी देर में एक्सप्लोर करूँगा. तो मैं अभी थोड़ा इस तरफ जा रहा हूँ देखने के लिए कि कैसा है ये जगह. अदरवाइज़ ये जगह बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. और बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे दोनों साइड में और बीच में ये गार्डन है. तो इस तरह का मैंने गार्डन नहीं देखा था. एक्चुअली मुझे गार्डन उतना पसंद नहीं है, बट ये जगह देखने लायक है क्योंकि ये पर्शियन गार्डन है. तो अभी मैं एकदम आखिरी जो पोर्शन है यहाँ का, यहाँ पे आ गया हूँ. और यहाँ पे कुछ इस तरह घर बना हुआ है, आई थिंक ये अब अंदर नहीं जा सकते, ये बंद है पूरा का पूरा. पर यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना विंड कैचर का, वो बहुत सुंदर है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. अगर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सुंदर सा ये फाउंटेन चल रहा है और उस तरफ दूर में विंड कैचर है. और यहाँ पे कुछ फैमिली है तेहरान से एंड इन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक की है. और ये आमिर है. हाय आमिर, थैंक यू फॉर क्लिकिंग माई पिक्चर्स. यू आर फ्रॉम तेहरान राइट? Isfahan, sorry. You are from Isfahan. I mean, this is your family. Okay, thank you. Mercy. Mercy, bye. Yeah. Hi, Mercy. How are you? I'm fine, thank you. Your name? Shahida. My name is Ashish. Nice meeting you. Bye. Mercy. और जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, आई मीन मैं तो हमेशा ही सोलो ट्रैवल ही करता हूँ, तो ऐसे लोगों को मैं पूछ पूछ के बोल बोल के कि भाई फोटो एक क्लिक कर दो, और मैं ऐसे क्लिक करता हूँ. बस मेरा ये रहता है कि मैं फ्रेम सेट कर देता हूँ उनके लिए और वो जाके खड़ा हो जाता हूँ और वो क्लिक कर देते हैं. तो ये एक तरीका है मेरे इंस्टाग्राम फोटोज का. तो मैं अभी
जस्ट ये विंड कैचर के सामने ही आ गया था और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे इश्फहान से मिले हैं. आपका नाम? योर नेम? माय नेम इज साइद. आई एम अ टूरिस्ट. Yes, we are a friend in the Yaz Garden in Dolatawa. Thank you so also, much. Also, happy for come back to Iran and visit you in Iran and go to Iran and other side is very beautiful for after person. And hope I can go to India and visit your country. Have a good time. Bye. You are always welcome to my country and I'm happy to have you. Thanks a lot. Thank you so give you and you are my friend. Bollywood is famous for all of the world, not in Iran, all of the world. It's very good films and movies for all the world and the people sitting and see the Indiana movies. Thank you so much and love for Iran. Iran me is too. Beautiful and people are amazing. Got great hospitality. And we all love India. Love Iran have too. A good times in Thank Iran. Thank you. Thank Merci. You so much. Merci. Bye. आगे हूँ अंदर की तरफ. ये जो गार्डन है, गार्डन के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ है जो आई थिंक इसके ऊपर ही विंड कैचर है. तो इसके अंदर आने के बाद ना, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देखो सिर्फ इतना सुंदर बना रखा है इनका. आप सीलिंग देखो, जिस तरह का डोम बना हुआ है एंड जिस तरह का इन्होंने पेंट किया वाइट एंड ग्रे में, बहुत सुंदर दिख रहा है. और ईरान का मेरे को एक बहुत ही अच्छा चीज़ लगा है कि यहाँ पे जो खिड़कियाँ होती हैं ना, उसमें इन लोग अलग अलग तरह के कांच जो ग्लास होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, वो लगा कर रखते हैं. उसकी वजह से ना बहुत सुंदर दिखता है जब लाइट आता है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का. तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्शन आ रखा है ग्लासेस का, और ये कलरफुल ग्लासेस होने की वजह से बहुत सुंदर हो जाता है. और लोग यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं. तो आई थिंक मैं भी एक दो फोटो यहाँ पे निकालूंगा. काफ़ी सुंदर लग रहा है ये जगह. हाय. मैं यहाँ पे हर रूम पे गया हूँ और यहाँ पे एक दो तीन और ये चार रूम है यहाँ पे. और चार रूम बहुत ही अलग अलग तरीके के बना हुआ है. और बीच में ये फाउंटेन है, अभी तो नहीं है, कि विंड कैचर यहाँ पे ठीक मेरे ऊपर है. और यहाँ पे आप देख सकते हो छेद है, तो यहीं से हवा अंदर आता है और काफ़ी ठंडा है ये जगह. तो ये फ़ायदा होता है विंड कैचर का, क्योंकि ये रूम बहुत ठंडा है और विंड कैचर की वजह से यहाँ पे हवा नेचुरल हवा आ रहा है, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. तो ये फ़ायदा होता है विंड कैचर का अगर आपके पास एसी, मतलब उस समय की बात है जब इलेक्ट्रिक एसी फ़ैन नहीं हुआ करता था, तो ऐसे लोग हवा का मज़ा लेते थे और घर को ठंडा रखते थे. तो अभी मैं लोकल ईरानियन रेस्टोरेंट में आया हूँ और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लगी हुई थी. तो अभी आसपास आज यहाँ पे हॉलीडे है, तो दोपहर में सब कुछ बंद हो गया था 1 बजे के आसपास. तो यहाँ पे ढूंढने के बाद एक रेस्टोरेंट मिला और मैं यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा डिश खा रहा हूँ. आई थिंक ये मैंने ट्राई किया था पहले मेहंदी के घर पर. इसका नाम है खेमे बोलते हैं इसको. तो कुछ इस तरह का दिखता है. तो ये खेमे और यहाँ पे है सैफ्रन राइस और सैलड और साथ में ये आई थिंक लवाश है. तो लवाश और एक दुग. तो ये मैं खा रहा हूँ. इसका मैं 60,000 तोमान पे कर रहा हूँ, जो लगभग 2 डॉलर से थोड़ा ऊपर है. तो समझ लो आप 100, मतलब दुग मिला के 200 रुपये का ये लंच है. और ये टिपिकल ईरानियन खाना है ये. मैंने अभी फ़िलहाल इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, परसा रेस्टोरेंट, और यहाँ पे सिर्फ ईरानियन फूड मिलता है और एक दो बर्गर्स भी. तो ये बिल्कुल आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स के पास में ही है. तो मैं आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स के पास से ही गुजरा था, कि मेरा हॉस्टल आसपास ही है. तो यहाँ पे मैंने खा लिया. अभी आपको थोड़ा आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स में खाना. तो ये है आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे ये मॉस्क, काफ़ी लंबा मॉस्क है, काफ़ी सुंदर मॉस्क है. आई थिंक इस तरफ रिपेयर वर्क चल रहा है. और ये यहाँ का स्क्वायर है, आप देख सकते हो इतना बड़ा स्क्वायर है. और आसपास दुकानें हैं और मैंने बस यहीं पे
खाना खाया था। तो मैं अभी आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स के पास से निकल गया हूँ। ज़्यादा कुछ तो था नहीं वहाँ पे देखने के लिए, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, और वहाँ से अभी मैं आ गया हूँ इस तरफ। अभी जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ, तो रेस्ट करूँगा। जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि आज हॉलीडे है, एक बजे के बाद सब बंद हो जाएगा, तो ये वही जगह है जो सुबह मैं निकला था और सब दुकानें खुली हुई थी, और अभी देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्राइक है, एक भी दुकान खुला नहीं है। अभी बज रहे शाम के 6 और मैं आ गया हूँ ओल्ड टाउन में। और जैसे मैं ओल्ड टाउन एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा मॉस्क दिख रहा है, और ये मॉस्क मुझे नक्शजहान स्क्वायर का याद दिला दिया। और यहाँ पे कुछ इस तरह का लुक है, और यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है जिसका नाम यास कॉफ़ी है। यास कॉफ़ी बहुत फेमस है, मैंने कल ट्राई किया था शाम को, काफ़ी टेस्टी। ये अरबिक बीन्स और टर्किश स्टाइल में बनाया रहता है, और उसके बाद बहुत सारे इनका प्रिपरेशन था 4 घंटे का, फिर जाके यास कॉफ़ी बनता है। तो कल मैंने ट्राई किया था, बहुत टेस्टी था। तो अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड टाउन घूमने के लिए, यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, और मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, और कल मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पे घूमने का, तो आज अभी इस वक्त मैं घूमूंगा। यहाँ पे काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप है, आप देख लो। और यहाँ पे एक और कैफे है, तो यहाँ का कैफे का स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कैफे तानुरुक तानुरुक ब्यूटीफुल। तो इस तरह कुछ कैफे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ कैफे है। कैन आई कम? ऑलराइट, थैंक यू। और आप देख लो यहाँ पे अरे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और यहाँ का ये कैशियर मतलब कैश काउंटर है, देखो किस तरह का बनाया हुआ है। और यहाँ पे कारपेट्स बहुत ही विंटेज और अमेजिंग लुक है। तो इस तरह का कुछ कैफे है। और बाय द वे याज़्द में कुश्ती भी बहुत फेमस है, यहाँ का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। तो ये आप देख सकते हो कुश्ती का, ये अखाड़े का जो ये क्या कहते हैं इसको, बैट जो भी बोलते हैं इसको, ये रखा हुआ है। और ये कुछ इस तरह का कैफे है। तो यहाँ पे आप बाहर भी बैठ सकते हो, अंदर भी बैठ सकते हो। तो यहाँ का जो मेरा दिखा है, तो यहाँ पे मेरे को दिखाने का जो ये है मकसद कि यहाँ पे किस तरह से सेटअप किया हुआ है कि आप कैसे बैठ सकते हो। और ये मैं थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं जा सकते हैं क्या। तो इस तरह का इनका सीढ़ी है, तो आप ऐसे ऊपर आओगे एंड देन यहाँ पे देखो सेटअप। और ये रूफ टॉप कैफे है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ही अलग है इंडिया से, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये कैफ़े, वहाँ पे एक मॉस्क है, इधर एक मॉस्क है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कैफ़े इतना महंगा नहीं है। तो कल मैंने जो कॉफ़ी पिया था वो $1.50 का था, 100 रुपये का कॉफ़ी था, 80 से 100 रुपये का कॉफ़ी था। यहाँ कैफ़े में अच्छा कॉफ़ी आपको मिल जाएगा $2 के अंदर में। हालांकि $2 थोड़ा महंगा है, बट स्टारबक्स से बहुत अच्छा है। ब्यूटीफुल आली आली। सो आई एम हैविंग अ वॉक इन द ओल्ड टाउन, सो वंस आई एम डन आई विल कम बैक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी इन, मर्सी, बाय बाय। इनको मैंने बोला कि अभी मेरे को कॉफ़ी नहीं पीना है, बट इन लोगों ने मुझे को बोला कि जा अंदर देख ले एक बार। तो मैंने सोचा कि देखता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। तो जब अभी कुछ खाना पीना होगा तो फिर देखेंगे, फिलहाल तो नहीं पीना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा मुझे हैंडीक्राफ्ट का दुकान मिला है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो एक बार देखते हैं जाके। सलाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सुंदर कारपेट शॉप है, और कारपेट मटेरियल से भी काफ़ी कुछ बना हुआ यहाँ पे चीज़ें बिक रही है, सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं यहाँ पे। ये तराजू देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस एरिया में कॉफ़ी शॉप बहुत सारे हैं, तो मैंने अभी तक कम से कम 5-6-7 कॉफ़ी शॉप देख लिया है। और वहाँ पे भी एक कॉफ़ी शॉप है, ट्रेडिशनल कॉफ़ी शॉप। शाम का माहौल काफ़ी अच्छा है, और कंसिडरिंग जो माहौल है यहाँ पे, सिचुएशन चल रहा है, आई थिंक याज में अभी तक तो ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया। रात को मस्त मैं देख रहा हूँ, टूरिस्ट वगैरह घूम रहे हैं, लोकल लोग घूम रहे हैं, और अच्छा वाइब है, हवा चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी आंदोलन वगैरह कुछ ऐसा सीन नहीं है फिलहाल। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये एरिया। और थोड़ा सा अंदर आने के बाद आप देखो यहाँ का रास्ता कैसा है। यहाँ पे ये दरवाजे, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है फारसी में, और ये जो लाइट लगा हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिन में बहुत ही अलग दिखता है ये जगह, बट दिन में आज मुझे मौका नहीं मिला यहाँ पे आने के लिए, बट अभी मैं रात को दिखा रहा हूँ आपको।
तो मैं अभी ओल्ड टाउन में एक लाइब्रेरी में आया हूँ जो टूरिस्ट लाइब्रेरी नाम है इसका, और ये लाइब्रेरी काफ़ी सुंदर है, और जिस तरह से इसको मतलब बनाया गया है और जिस तरह से इसमें इसको सजाया गया है बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये इनका लाइब्रेरी है और यहाँ पे आप किताब वगैरह अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट पता नहीं इंग्लिश किताबें कितनी होंगी, बट ये कुछ इस तरह का दिखता है लाइब्रेरी। यहाँ पे बैठने का बना हुआ है, छोटा सा फाउंटेन है यहाँ पे मतलब, और ऊपर देखो दिस इज ज़ोरास्ट्रियन सिंबल राइट, तो ये ज़ोरास्ट्रियन या ज़ोरास्ट्रियन सिंबल है यहाँ पे। थैंक यू सो मच अली, यू से मर्सी राइट, مرسی خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون، خیلی ممنون، بای، خداحافظ. And this is your Instagram tourist library. Yeah, exactly. Okay. Tourist library. Okay. Bye. Bye. ये जगह ना पूरा का पूरा भुलभुलैया है, अभी मैं कितने बार यहाँ पे गुम हो चुका हूँ मेरे खुद को पता नहीं है, और जाए जा रहा हूँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। ये जगह शाम को 4-5 बजे घूमने के लिए बहुत सही है, दिन में भी एकदम कभी भी, और रात को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि रात को ये सारे लाइट्स है ना, एक दिन में नहीं रहते हैं। तो लकीली थोड़ा बहुत यास सिटी का व्यू देखने को मिल गया है, एंड थोड़ा सा क्या कहते हैं वो जो आखिरी पल होता है ना सनसेट का, वो देखने को मिल गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे कैफ़े, आर्ट कैफ़े नाम का, तो उसके ऊपर जाके मैंने मतलब वो शूट किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ये मेरा आखिरी दिन था मतलब आखिरी शाम है यहाँ पे आज में, कल मैं करमान जा रहा हूँ, तो कैसे करमान जा रहा हूँ, कितना में मैंने क्या बुक किया है वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लव योरसेल्फ एंड कीप हॉपिंग। बाय फ्रॉम याज़ इमरान।